चंडीगढ़ में 22 वर्षीय लड़की से सेक्टर 53 में गैंगरेप करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने युवती से गैंगरेप करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चंडीगढ़ की एसएसपी नीलांबरी विजय जगदाली के मुताबिक आरोपी की पहचान 28 साल के इरफान के रूप में हुई है, जो जीरकपुर की झुग्गियों में रहता है और मूल रूप से यूपी का रहने वाला है। आरोपी की गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर हुई है और उसे सेक्टर 49 इलाके से अरेस्ट किया गया। मामले में दो अन्य आरोपियों की पहचान हो गई है, जिनकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। ये जो गैंगरेप का मामला हुआ था 17 नवंबर को रात को अराउंड 8 या 9 के बीच में, उसमें आज एक अक्यूज्ड मोहम्मद इरफान, उम्र जिसकी करीब 29 साल है, उसको हमने अरेस्ट किया है। हमारे पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि ये क्राइम इसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर किया है, जिसके तहत आज इसको क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन में ले आया गया था। और इसकी जब क्वेश्चनिंग की तो ये ब्रेक डाउन कर गया और इसने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया। उसके साथ ही जो ऑटो इसने यूज़ किया था क्राइम में, वो भी इसके साथ ही मिल गया था, हमें रिकवर हो गया है वो भी। और उसके बाद इसने अपने दो को अक्यूज़ के नाम बताए हैं, गरीब और पोपू, जिनकी तलाश में हमने टीमें ऑलरेडी भेज दी है। हमें उम्मीद है कि वो भी जल्दी पकड़े जाएंगे।